गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस. टुडे ऑन 9th ऑफ जून 2020. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल. व्हाट इज सेल? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स, मीन्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर, example amoeba and paramecium, and organisms having number of cells is called multicellular. Now continuing with the shape of cells, we will discuss the shape of cells. Amoeba has no definite shape, it keeps on changing its shape. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि amoeba जो single celled है, unicellular है, उसकी कोई भी डेफिनाइट शेप, अपनी डेफिनाइट शेप नहीं होती है. वो अपनी शेप जो है चेंज करता रहता है. द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट. स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. जो शेप वो चेंज करता रहता है वो किसकी वजह से होती है? स्यूडोपोडिया की वजह से. विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड. जो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है और फूड को कैप्चर करने में मदद करता है. WBC means white blood cells in human blood is another example of a single cell which can change its shape. White blood cells जो human blood में होते हैं वो भी एक example है single cell की, जो अपनी shape जो है change करते रहते हैं. WBC is a cell. Amoeba is a फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल क्या है? एक सेल है. और अम्यूबा ऑन द अदर हैंड क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. अब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स की जो शेप होती है वो राउंड भी होती है, स्फेरिकल भी होती है और इलोंगेटेड भी होती है. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. कुछ सेल्स जो है वो पॉइंटेड होते हैं, दोनों साइड से उनकी क्या होती है? पॉइंटेड शेप होती है. दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप. उनको उस शेप को क्या कहा जाएगा जो बोथ पॉइंटेड होगी? स्पिंडल शेप. सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन. कुछ सेल्स की शेप जो है अपियर होती है जैसे ब्रांचेस हो, जैसे ब्रांचेस हो. इसकी एग्जाम्पल है न्यूरोन. द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस. इसका क्या फंक्शन होता है? नर्व सेल का फंक्शन है मैसेज को रिसीव करना और आगे ट्रांसफर करना टू अनदर बॉडी पार्ट्स. इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नर्व सेल का एक और मैसेज होता है, एक और इसका फंक्शन होता है क्या करना कि हमारे बॉडी पार्ट्स तक जो है वो आगे मैसेज पास ऑन करना. नाउ अब कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स शेप? आंसर इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. अगर आपको कोई कहे कि गेस कीजिए कि कौन सा पार्ट है जो उस सेल का जो उसको शेप देता है, इसका आंसर इस लाइंस में है. कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. जो सेल है वो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, जो उसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन में. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप्स टू द सेल. ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसमें उसके मटीरियल होता है, वो उसको क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है. शेप प्रोवाइड, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल उसके बाद आ जाता है. सेल वॉल. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स. ये जो सेल मेम्ब्रेन